बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द पुंछ स्पोर्ट्स चैनल। कश्मीर इत्तेहाद खानापुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 से तीसरा क्वार्टर फाइनल फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम बाबू कावला मकबूल बादशाही क्लब थोराड़, फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में एहसान गोरा, फैराद उसामा, कैसर जुल्फकार अली, वसीम मकबूल बादशाही क्लब थोराड़ में खेल रहे हैं, हमदान आशिक, साकिब पठान, दो साकिबें आबिद उमर जुल्फकार और हसीब मुझे नहीं नजर आए, वो भी कल खेल रहे थे। एक कुर्सी अगर घड़ी एक में छोड़ा मैं बेची हूँ, नाराज हुई थी प्यार, क्योंकि मैं घड़ी है बेच सो आ जाता है मैच थोड़ा सा पास राजे को पूछा मैं पैसे थी स्कूल जी नहीं फोन पाने पक्की गल दी सही हो बड़ा मैच बड़ा मुकाबला बड़ा टाकरा मकबूल बादशाही क्लब थोराड़ बाबू कावला फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम मुतवाजन खिलाड़ी दोनों तरफ छोड़ा छोड़ा से गुम हो को खासी है से छोड़ा से। बस उनमें वैसे खड़े शहर तू कौन छोड़ा जी शमीम भाई वो मुबीन खेल रहे हैं जी, वो सामने खेला पहने एहसान नहीं रहे, मासो खुर्रम नहीं है जी किसी भी टीम में, बल्कि वो आए ही नहीं है। फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में एहसान गोरा, कैसर जुल्फकार, उसामा, राजा मुबीन, अली, वसीम, फरहाद और दूसरी तरफ उमर जुल्फकार, साकिब पठान, दो साकिब हैं उस साइड पे और उमर जुल्फकार, आबिद, हमदान, आशिक। गोरे आ गया टेम अर्चक मंदारी दोस्तानम लिंग आ गई है देव गड़े मन अर्चक मंदारी गमन है उस्मान साहब कुछ नहीं छोड़ा ओ बैठे ना लाइन में बैठे ओ आने ना वो ओ उस्मान साहब की जल्दी है ना आप ही भेजो ओ उस्मान साहब आने मिला नहीं जी मोसो नहीं है, जिमल जिमल मोसो घर चले गए हैं, ज़ारा उनके सुबह ड्यूटी भी है, शिफ्ट का मसला है तो तमाम दोस्तों से गुजारिश के ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो गिर भाई हेलो लाइन जजमेंट पहला हमला उमर जुल्फकार का कवर अप हुआ, राजा मुबीन ने बाल सेट किया एहसान गोरा के लिए, एहसान गोरा की प्लेसमेंट डिफेंस हुआ बाल, बाल सेट हुआ सेटर के द्वारा आबिद के लिए, आबिद की स्मैश कोर्ट लाइन से बाहर, वन लग और ताजा स्मैश साकिब, साकिब की बेहतरीन स्मैश, साकिब पठान, सर्विस चेंज लव वन मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ लव और वन पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम, अच्छी सर्विस रिसेप्शन उमदा, कैसर, कैसर ने बाल सेट किया डाजर के लिए, सेटिंग अच्छी ना हो सकी, प्लेस हुआ बाल और बाल सेट हुआ डाजर आदि साकिब के लिए बेहतरीन स्मैश, लेकिन कमाल का डिफेंस एहसान गोरा का, एहसान गोरा की पावरफुल स्पाइक और डिफेंस किया बाल इस पोस्टर ना कहना होगा नहीं मोसो नहीं है जी नदी भाई ने बोस्टर ना कहना होगा नौ का साकिब या उसे काशिफ, काशिफ नाम है जी सेटर का, घूमती हुई सर्विस रिसेप्शन उमदा, कैसर, कैसर से बाल जाएगा बैक साइड पर, राजा मुबीन, राजा मुबीन की अच्छी स्मैश, साकिब का उमदा डिफेंस और बैक साइड से खेलेंगे उमर जुल्फकार, उमर जुल्फकार की प्लेसमेंट, कमाल का डिफेंस एहसान गोरा का,
कैमरा बॉल वसीम प्लेस करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे और इस तरह से पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 2-1। मैच खेलने को सलाम दी से बाल जाएगा आसान गोरा के पास, बेहतरीन प्लेसमेंट काशिफ की, बेहतरीन डिफेंस। बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की प्लेसमेंट डिफेंस किया कैसर ने, साकिब, साकिब से बाल हतोवा काशिफ के पास, बैक साइड से उमर जुल्फकार, जोरदार स्मैश उमर जुल्फकार की और इस तरह से एक और पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 3-1। जी सगीर शहीद क्लब नम पंद्री बिल्कुल है जी, वो सेमीफाइनल में है, मास्टर खुर्रम साहब नहीं है जी। सर्विस अच्छी और इस तरह से डायरेक्ट पॉइंट लिया, सर्विस पे रिसेप्शन देने में नाकाम रहे लेब्रो। 4-1, 4 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड और 1 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम भालग्राम। चिक दे थोड़ी काशिफ से बाल आबिद के पास, दराज करके मालिक और बड़े जंप का फायदा उठाते हुए बाल को प्लेस करते हुए अपनी टीम के लिए लिया पॉइंट। 5-1 मकबूल बादशाह क्लब थोराड 5, पहले सेट का खेल जारी और 1 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम भालग्राम। जी वसीम थोराड से ताल्लुक है इनका। एक और अच्छी सर्विस रिसेप्शन उनका कैसर से बाल जगह बैक साइड से राजा मुबीन, जोरदार स्मैश आबिद ब्लॉक करने में नाकाम रहे। पहले सेट का खेल जारी, एहसान गोरा की हल्की सी जंपक सर्विस रिसेप्शन भी उमदा, 1-2-1 आया लेकिन ये बाल ओवर बाल उसका फायदा नहीं उठा सके। राजा मुबीन की स्मैश, आबिद का उमदा डिफेंस, काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा आबिद के पास और आबिद का सुपर अटैक, जोरदार स्मैश वसीम ब्लॉक करने में नाकाम रहे। ऑफसेट में खेले आबिद बेहतरीन खेले, सर्विस हासिल की अपनी टीम के लिए मकबूल बादशाह क्लब थोराड 5 और 1 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स क्लब नम बालग्राम। जी नायाब किसी टीम में नहीं, हमदान भी हैं जी राजा अली। वालेकुम सलाम मोहसिन कश्मीरी, तमाम दोस्तों से गुजारिश के वीडियो को शेयर करें। घूमती हुई सर्विस डायरेक्ट पॉइंट मिला, सर्विस पे बॉल नेट के साथ बल खाता हुआ कोर्ट लाइन के अंदर और एक और पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 6-1। साकिब पठान सर्विस के निशान पे, और अच्छी सर्विस रिसेप्शन में दुश्वारी, कैसर, कैसर ने बॉल सेट किया राजा आकिब के लिए, उमदा डिफेंस है साकिब का, आबिद, आबिद की प्लेसमेंट, राजा मुबीन का बेहतरीन डिफेंस, बॉल गया गोरे के पास, गोरे की स्मैश नेट में और इस तरह से एक और पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 6 पॉइंट की वाजिया बेहतरीन के साथ। पहले सेट में मकबूल बादशाह क्लब थोराड 7 और 1 पॉइंट या स्पोर्ट्स नम बालग्राम। जी जी हमदान चुनना है खेलना, डिफेंसर है ठीक है, चले जी बहुत शुक्रिया। ये असल में मुसाब अभी कोई पता नहीं है, एक और अच्छी सर्विस है राजा मुबीन के द्वारा, रिसेप्शन अच्छी मिली, कैसे से बाल गया डाजर के लिए, डाजर अली की अच्छी स्मैश, सर्विस चेंज 1-7। एहसान गोरा मौजूद सर्विस के निशान पे विसल का इंतजार करते हुए, फर्स्ट रेफरी नासर साहब, विसल के बाद सर्विस, आबिद की प्लेसमेंट, कैसर बाल का ताकब तो जरूर किया लेकिन डिफेंस करने में रहे नाकाम, सर्विस फिर से मिली मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 7-1। शाहिद खान ठीक ठाक खैरियत, सर्विस के निशान पे फिर से आतिफ पठान, एक और घूमती हुई सर्विस, ये एयर स्विंग सर्विस करते हैं आतिफ और पॉइंट या डायरेक्ट पॉइंट सर्विस पे 8-1। एक और अच्छी सर्विस नेट के साथ बल खाती हुई कोर्ट लाइन के अंदर, लगातार दूसरा डायरेक्ट पॉइंट लिया आतिफ ने 9-1। 8 पॉइंट की वाजिया बत्री के साथ पहले सेट में, पहले सेट में पॉइंट तेजी के साथ बढ़ते हुए 9 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ और 1 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम भालग्राम। दूसरे होते हैं हवाला की टहिया क्या होया भैया नदी पर इन्होंने है उस असद भाई के हवाला की टहिया है वाली बाल नहीं चलो परसों को 33।
बेहतरीन स्मैश, बेहतरीन स्मैश, कमाल के सेटर हैं ये। बुरहान खान की टीम में ये सेटिंग करते थे काशिफ, बेहतरीन सेटर है। नहीं कर रहा हूँ कोई रहा नहीं उनके जाओ 10-1 हमदान आए हुए जी मकबूल बट शैक्लब फराड़ में, और इस तरह से सर्विस चेंज नासिर का बेहतरीन। नासिर भाई लेजेंड प्लेयर ऑफ गोल्डन क्लब लुंजग्रां कश्मीर का बड़ा नाम, जो कि इस टाइम मेन रेफरी के फराइज से अंजाम दे रहे हैं। सर्विस के निशान पे फिर से आतिफ, अच्छी सर्विस लेकर नेट में सर्विस चेंज, 210 पे सर्विस करेंगे एहसान गोरा। नहीं बुरहान खान नहीं है जी, एक और अच्छी सर्विस रिसेप्शन में दुश्वारी। उमर जुल्फार से बॉल जाएगा हमदान के पास, हमदान की जोरदार स्मैश ऑफ सेट में खेले, हेली ब्लॉक करने में रहे नाकाम। सर्विस चेंज 10-2 फैसल सगीर शहीद क्लब नम प्लंदरी नाम है उस टीम का, और वो सेमीफाइनल में है। रॉन्ग साइड पर राजा मुबीन है, कैसर ने बॉल सेट किया, 1-2-1 से खेलेंगे उमर जुल्फार, ओ सॉरी एहसान गोरा की बेहतरीन स्मैश। कोई नहीं यार, उनारा नाइक पुंछ स्पोर्ट्स चैनल है। शमीन भाई कोला दस्या नहीं, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कह रहा पूछने दे। सर्विस चेंज 10-2 मकबूल बट शेख क्लब थोड़ा 10-2 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम। पहले सेट का खेल जारी, तीसरा क्वार्टर फाइनल, अच्छी सर्विस। बैक साइड से करेंगे राजा मुबीन, जोरदार स्मैश, बेहतरीन स्मैश, लाइन टू लाइन ब्लॉक आउट खेलने में कामयाब। बहुत शुक्रिया वटा मामा, आपको भी वेलकम करते हैं घना पुल की सरजमीन पर। वटा मामा आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया वटा मामा, हमारे बेहतरीन अच्छे दोस्त जिनका ताल्लुक पेशावर से और बड़े मजे हुए कमेंटेटर मुमताज मामा, वटा मामा रोहे बिस्मिल खान। किधर हो रहा है मैच, की मैच हो रहा है जी घना पुल रावलपिंडी। सर्विस नेट में, एहसान गोरा की सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर, सर्विस मिली फिर से मकबूल बट शाह क्लब थोराड़ को। मुबीन ये खेल रहे जी फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में, ये रॉन्ग साइड पे खेले जी व्हाइट और ब्लू शर्ट में। अच्छी सेटिंग, राजा मुबीन प्लेस करना चाहते थे लेकिन आबिद का कमाल का ब्लॉक। नहीं असीफ नहीं खेल रहा जी, असीफ शायद वापस चला गया। 11-2 पॉइंट पहले सेट में 9 पॉइंट की वाजिया बत्री के साथ मकबूल बादशाह क्लब थोराड, 11 और 2 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम। सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर, दोनों टीमों के प्लेयर्स के नाम सुन ले, राजा मुबीन, एहसान गोरा, कैसर जुल्फकार अली, वसीम और लबरों का नाम भूल गया हूं अभी, किसी ने बताया था। और दूसरी साइड पे हमदान, आशिक, उमर, जुल्फकार, आतिफ पठान, दो आतिफ हैं जी उस साइड पे, और उसके बाद आबिद, काशिफ। राजा मुबीन ने बॉल सेट किया मेन सच है वसीम के लिए, वसीम प्लेस करना चाहते थे लेकिन उमर जुल्फकार का बेहतरीन ब्लॉक, और इस तरह से मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ पहले सेट में पहुंच चुकी 12 पॉइंट और 2 पॉइंट बालग्राम। 10 पॉइंट की वाजिया बत्री के साथ मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ होगा शाम को। और उसने ये टूर्नामेंट का इनकार किया अली जंजुआ। आ जाए वसीम के पास, वसीम की स्मैश देखना पड़ेगा, और साथ में उमर जुल्फकार कर बैठे फाउल। बाल तो कोर्टलाइन से बाहर था लेकिन उमर जुल्फकार अपनी बॉडी बैलेंस ना कर सके और कर बैठे फाउल। सर्विस मिलेगी फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रा को 2-12। मोसो रात को खेले थे लेकिन आज नहीं, क्योंकि मैचेस लेट हो गए थे और सुबह उनको अपना काम भी है, अपनी ड्यूटी भी ऐसे वापस चले गए थे। सेमीफाइनल और फाइनल मुतवक्को कल। उमर जुल्फकार की लाइन टू लाइन बेहतरीन स्मैश,
काशिफ की अच्छी सर्विस और डायरेक्ट पॉइंट लिया सर्विस पे, थर्ड लाइन के पास जाके गिरी ये सर्विस, डायरेक्ट पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 13-2। जी शाकर मरुम क्लब मंजू साहब बाहर हो गई थी, कैसर जुल्फार की बेहतरीन प्लेसमेंट, लेकिन डिफेंस हुआ बाल फिर से ग्याली के पास, अली से होता हुआ बाल राजा मुबीन बैक साइड से, इजी क्रॉसिंग डिफेंस हुआ आतिफ के द्वारा, काशिफ काशिफ से बाल जाएगा उमर जुल्फार, ओवर बाल मिला वसीम को, बेहतरीन प्लेसमेंट की वसीम ने, सर्विस सी 230। भाई आपने किसी से किधर हिसाब लेना है वो उधर हिसाब लेना, इधर चैनल पे किसी भी प्लेयर के लिए कोई बात प्लीज ब्राय मेहरबानी नहीं बोले, वो आपके जो आपसी मामला थे किसी प्लेयर के साथ तो वो आपस में जरूर हल करें। बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर सेटिंग की राजा मुबीन के लिए, कैसर ने बेहतरीन और उसका फायदा भी उठाया 230। क्या बात है यार, एहसान गोरा की अच्छी सर्विस, रिसेप्शन उमदा, काशिफ काशिफ ने बॉल सेट किया, 1-2-1 से खेलेंगे हमदान, हमदान की बेहतरीन स्मैश कटिंग स्मैश खेली हमदान, सर्विस 13-2। क्रॉस टॉकिंग नहीं कर रहे जी भाई मेहरबानी, फिर मैं हूँ ब्लॉक कर रहे पता था, फिर नाराज हो लिया सारे। सेमीफाइनल में सगीर शहीद क्लब नम पलंदरी और नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, दो टीमें हैं जी। 13-2 रिसेप्शन हुआ बॉल, कैसर कैसर से बॉल होता हुआ, सेटिंग अच्छी और जोरदार स्मैश एहसान गोरा की, सर्विस चेंज 2-13। नहीं जी मोसो नहीं है जी, मोसो वापस घर चले गए थे। कितना सेट, पहला सेट है जी नुमान भाई, पहला सेट लगा हुआ है। साकिब बेहतरीन स्मैश साकिब की और अंपायर का इशारा कि ये नेट बॉल और पॉइंट मिला फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रा को 313। अभी भी 10 पॉइंट के सारे पर फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रा। वाकेंट से हसीब बिन इरशाद, वेलकम टू दी पुंछ स्पोर्ट्स चैनल, और आबिद पठान की स्मैश नेट में और पॉइंट मिला बालग्रा की टीम को 413। उमर जुल्फकार की जोरदार स्मैश, वसीम ब्लॉक करने में नाकाम, एस चोर खेले ना और ये नाकाम सर्विस 430। एहसान गोरा आमिर सरदार, ये जगह है जी खनापुल रावलपिंडी, और इसमें मसाला गाड़ी बन गया था बैठी को जी जाफर भाई खेल रहे हैं आ रहा है मुझे दिखाएं थोड़ा सा सिर है ना। सेमीफाइनल में अभी आपको बताया है जी दो टीमें, ये सेमीफाइनल और फाइनल कल होंगे। 13-4 बाल गया एहसान गोरा के पास, एहसान गोरा की बेहतरीन टेक्निकल आइडिया प्लेस किया, लक थ्रोड आइडिया फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में, कैसर जुल्फकार राजा मुबीन एहसान गोरा अली वसीम और हमदान की जोरदार स्मैश 13-4। पहले सेट का खेल जारी। वालेकुम सलाम आमिर सेल्फी साहब, क्या हाल है जी, ठीक ठाक, रिसेप्शन अच्छी, कैसर से बॉल जाएगा बैक साइड से, किमार की स्मैश यहां पर राजा मुबीन की, फिर से सर्विस चेंज 413, लगातार सर्विस चेंज हो रही है 413 पर। आमिर सेल्फी साहब सलाम देने दिया शुजा, दोनों टीमों के प्लेयर्स के नाम बताता हूँ जी, मकबूल बट शहीद में जी, उमर जुल्फकार, हमदान आशिक, आबिद पठान, साकिब पठान, दो साकिब खेल रहे हैं और काशिफ जो बुरहान खान वाली टीम में सेटर होते थे वो हैं, दूसरी साइड पे उमर जुल्फकार, कैसर जुल्फकार, एहसान गोरा, राजा मुबीन, अली वसीम,
आबिद का कलाई गोरी है, कलाई है गोरी है, कलाई है कलाई का इस्तेमाल कर 13-5। काशिफ पठान करेंगे सर्विस, लाइन टू लाइन बेहतरीन सर्विस और वसीम रिसेप्शन देने में नाकाम और आखिरकार डायरेक्ट पॉइंट लेने में कामयाब रहे काशिफ पठान और इस तरह से लास्ट बॉल पर पहुंच चुकी पहले सेट में मकबूल बट शाह कब फराट लास्ट और 5 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम। जाफर नहीं जीता था जी, जाफर जीता नहीं था बल्कि सगीर शहीद क्लब नम प्लंदरी जीती थी। एहसान गोरा की बेहतरीन प्लेसमेंट, कमाल की प्लेसमेंट, 5 लास्ट। इतने जल्दी तो हार मानेंगे नहीं एहसान गोरा, क्योंकि कश्मीर के स्टार प्लेयर तजर्बाकार खिलाड़ी एहसान गोरा। सबसे अच्छी ओवर बॉल मिला, वसीम ने प्लेस किया, बॉल जाएगा ओवर जुफकार के पास, बेहतरीन स्मैश, कैसर का उमदा डिफेंस, अली अली से बॉल होता गया, राजा मुबीन, राजा मुबीन की इजी क्रॉसिंग, डिफेंस किया हमदान ने, काशिफ से बॉल जाएगा फिर बैक साइड से उमर जुफकार की जोरदार स्मैश, लाइन टू लाइन बेहतरीन स्मैश, लास्ट बॉल 5। हसीब नहीं जी, जिक्रिया हमदान का उम्र था हसीब नहीं, और ब्लॉक हुए एहसान गोरा, उस से पहला सेट अपने नाम किया इंतहाई उमदगी के साथ मकबूल बट शहीद क्लब फराड ने। कातिल को पुकारो जिंदा है, मक्तल को संवारो जिंदा है, सबका नारा जिंदा है, मकबूल हमारा जिंदा है। लुंजरा वाले नासिर साहब नहीं खेल रहे हैं, वो अभी इस मैच की सुपरविजन कर रहे हैं। क्या बात है भाषण की, भाषण से खिलाड़ी चले गए पता नहीं, वो तो पर भाषण के लिए कौन आ रहे हैं, बाहर हाल कुछ तो कुछ करेगा, हजारों तजुलों जी अमर सदजई, क्यों कोई शक दिया, तजुर्बाकार नहीं, कोई शक वाया था मैं कोने बाम हूँ, नहीं सदा समी मोसो नहीं खेल रही, ठीक था उम्मीद तुसे ना सलाम में लाजमी देसो, इस कामयाब टूर्नामेंट पर एडवांस मुबारकबाद, उस्मान अली ठीक ठाक, बहुत अच्छा कन्नापुल इत्तेहाद का वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कन्नापुल दानिश लेफ्टी किसी भी टीम में नहीं है। इसके बाद होगा जी चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल, जान क्लब शावर बामुकाबला कश्मीर इताद खन्नापुल। खजीरा से सलाम, वालेकुम सलाम जी, जी मोसो वापस घर चला गया, जगह इधर यही है इफ्तार भाई, और जगह थी है नहीं, सर्दी नहीं थे इतनी सर्दी नहीं, वैसे राजा मुबीन की जोरदार स्मैश ब्लॉकआउट खेलने में कामयाब, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला क्यानी, सदाकत सदीक, वालेकुम सलाम, सब्जी फ्रूट डीलर सगीर शहीद क्लब नम प्लंदरी सेमीफाइनल में है। एहसान गोरा खेल रहे हैं जी, इस टाइम उनका मैच भी लगा हुआ है फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में। खनापुल जब खेलेगी तो शामी आपको बताएंगे, उसमें शमास लोग हैं। ओवर बॉल मिला उमर जुल्फकार को और उसका फायदा ना उठा सके और बॉल लगा नेट पे, इस तरह से दूसरे सेट में अभी तक किसी भी टीम का खाता ना खुला और इस तरह से पॉइंट लवी मेरे साथ खड़े हमारे प्यारे दोस्त प्यारे भाई जिब्रान असलम कश्मीरी बागियाना से, उनकी तरफ से देखने वाले तमाम दोस्तों को सलाम, हुसनैन क्यानी उर्फ पाड़ाटी उनकी तरफ से भी तमाम दोस्तों को सलाम, अब्दुल्ला की तरफ से, अब्दुल्ला साजिद की तरफ से भी सलाम, मैं हो दुआ जड़ा खेना सा टंग टक पागल या ला रहा कोई नहीं ना तो बड़ा शुगुल लगा टक पागल या ना भी साके पठान की जोरदार स्मैश हैदरान आरूफ साहब ना कमेंट तक के गोरा पैया लंब खेड़ने, ये कौन सी गेम है कमर साहब, वेलकम जी कमर साहब, नायाब नावी के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद, उनको वेलकम कहते हैं, नासिर साहब की तरफ से भी आपको सलाम, ये क्वार्टर फाइनल लगा हुआ है
खान कदीर साहब की तरफ से भी सबको सलाम। पीछा होया आल पाकिस्तान टूर्नामेंट है, क्लब लेवल टूर्नामेंट था, ओपन। और साकिब पठान की बेहतरीन प्लेसमेंट और बाजा का एहसान गोरा के पास डिप्ला को एहसान गोरा। टू ईच, दूसरे शट का खेल जारी जी। नम प्लंदरी में जैद भी है, देखे मैं तार चीक लो यादा उद्रा वाटा मामानी है, बेवाई तारा बुल लगा है। राजा मुबीन की उमदा रिसेप्शन, बॉल सेट हुआ मेन सेट से वसीम के लिए, वसीम की प्लेसमेंट डिफेंस किया साकिब ने, वो काशिफ ने बासठ किया बैक सेट से उमर जुल्फकार को, उमर जुल्फकार का सुपर अटैक, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, फाउल कर बैठे यहां पर वसीम और इस तरह से पॉइंट मिलेगा मकबूल बादशाही क्लब थोराड को। 3-2 दूसरे सेट का खेल जारी। याद रहे कि पहला सेट अपने नाम करने में कामयाब रही थी मकबूल बादशाही क्लब थोराड। मुबशर कियानी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हमेशा खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शादा सूबेदार साहब को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मौसम ठीक। बॉल जोरदार स्मैश, सुपर अटैक, हेली के हाथों के साथ बॉल लगता हुआ कोर्ट लाइन से बाहर और रिकॉर्ड पॉइंट मिला मकबूल बादशाही क्लब थोराड को। दूसरे सेट में 4-2 दो पॉइंट की बर्थी पर मकबूल बादशाही क्लब थोराड। टाइम आउट लिया फिया स्पोर्ट से नम अलग्रा ने। नातिक अब्बासी वेलकम। नासिर साहब को बोलो प्रैक्टिस नहीं थी लड़कों की, चलें जी ठीक हो गया कमर भाई, नहीं मसला मैं करी इनसो माड़ा जा रहा रहा तुझे पता पहले हो ये ना होना मैं पता सब ऐसे है नहीं है तुझे पता कि तुझे दी पहले रबते माड़े चलने होने। अबराज ब्लोज तलाबाड़ी हाले मुकीम दुबई, वेलकम टू दी पुंछ स्पोर्ट्स चैनल। मेरा नाम है जी जुनेद जावेद, मेरा ताल्लुक है जी रावलाकोट मुतियाल मेरा से। मोहम्मद इमरान ठीक ठाक खैरियत, वालेकुम सलाम खैरियत। टाइम आउट का टाइम भी खत्म हुआ, सर्विस के निशान पे मौजूद है साकिब पठान, विसल हुई और अच्छी सर्विस एहसान गोरा की रिसेप्शन और एहसान गोरा जा चुके हैं मेन साइड पे और अब गेम का पासा पलट सकता है क्योंकि जब भी एहसान गोरा जाते हैं मेन साइड पे तो बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। और आबिद पठान की ये आइडिया लगा, नेट में सर्विस मिली बालग्रा को 2-4। वालेकुम सलाम आलमगीर खान साहब, उमर जुल्फकार की जोरदार स्मैश, ब्लॉक हुए डट ब्लॉक हुए उमर जुल्फकार और पॉइंट मिला फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रा को 3-4। वो तुझे पता कमर भाई में इस तरह PML नून चन्नाट, वेलकम जी, क्या हाल है जी। मैं भी पिंडी हूँ जी, मेरी रिहाइश गुलरेज में है जी। एहसान गोरा के साथ पठान बड़े हलाए नहीं एली एली ना तालुक खानू का वो लंबा एली जंजुआ था पंजाब में ना। अफशद भाई हाँ रोटी खा दिया अफशद साहब, जुल्फकार खान वालेकुम सलाम। नहीं नहीं सर्दी इतनी इतनी नहीं है जी, छड़ियों कश्मीरियों खा दी नहीं हूं इतने। साकिब मौजूद सर्विस के निशान पे 4-3 पे सर्विस करेंगे, साकिब की घूमती हुई सर्विस और इस तरह से देखना पड़ेगा और सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर जी। इसके बाद एक मैच और होगा, चौथा क्वार्टर फाइनल होगा, कश्मीर इताद खानापुल बा मुकाबला पहली टीम से जान क्लब पेशावर जी। वहां से ठीक ठाक काशिफ सदजई ठीक ठाक खैरियत, सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर 3-4 पे सर्विस करेंगे हम्माद शाखा दरम क्लब पंजोसा के डिफेंसर जो कि अभी खेल रहे हैं हम्माद फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रा में। वालेकुम सलाम भाई, सर्विस नेट में हम्माद की, साकिब साकिब की अच्छी सर्विस रिसेप्शन बॉल कैसर कैसर से बॉल जाएगा डाजर अली के लिए, डाजर अली की बेहतरीन प्लेसमेंट हाथों पर रख के बॉल को प्रेस किया साकिब के हाथों के साथ बॉल लगता हुआ कोर्ट लाइन से बाहर 4-3। दूसरे सेट का खेल जारी, याद रहे कि पहला सेट मकबूल बादशाही क्लब थोराड ने अपने नाम किया हुआ है, सेमीफाइनल और फाइनल का लूंगा। पाकिस्तान के अली जंजुआ आए जी,
बेहतरीन डिफेंस, कमाल का डिफेंस यहाँ पर। एहसान गोरा की लंबी प्लेसमेंट, हमदान से बॉल गया काशिफ के पास, वन टू वन से खेले हमदान, ब्लॉक हुए, कवर अप हो बॉल, साकिब से बैक साइड से उमर जुल्कार, जोरदार स्मैश, सुपर अटैक, ऑफसेट में खेले उमर जुल्कार, बेहतरीन स्पाइक उमर जुल्कार, सर्विस चेंज 4-3। मासू खुर्रम नहीं है जी किसी भी टीम में, सगीर शेख की टीम सेमीफाइनल में है। मोसो नहीं है जी, मोसो मकबूल बट शहीद में ही खेल रहे थे लेकिन वो वापस घर चले गए थे क्योंकि सुबह उनकी ड्यूटी भी है। वालेकुम सलाम, सेमीफाइनल और फाइनल का दूसरे सेट का खेल जारी। राजा मुबीन की प्लेसमेंट, कवर अप दिया बॉल, उसको डिफेंस करने में नाकाम रहे साकिब पठान, और इस तरह से सर्विस चेंज 3-4। नहीं, जान क्लब से मजर खान नहीं खेल रहे हैं जी, उसमें खालिद पठान है। अच्छी रिसेप्शन, काशिफ से बॉल दाचर के पास, खेल ना सके साकिब लेकिन बॉल को प्लेस किया, बाजा का एहसान गोरा के पास, एहसान गोरा की बेहतरीन स्मैश और टच आउट खेलने में कामयाब रहे, और इस तरह से पॉइंट लेवल हो चुके हैं 4-4। खान कबीर खान का टालियान नहीं है जी, क्या बात है, गोरा सर्विस अच्छी, रिसेप्शन हुआ बॉल, काशिफ से बाहर, बैक साइड से खेलेंगे उमर जुल्कार की स्मैश कोटलाइन से बाहर, टच आउट खेलने में रहे नाकाम। नहीं, मेरा नाम जुनेद जावेद है, हसीब ता साहब, मोसो गाड़ी चलाता है जी शिफ्ट की। सेंटर मीट पे बालग्रां की टीम में अली जंजुआ, मोसो कुसा भी टीम है नहीं, मोसो ऐसा मकबूल बाटी खेलने से लेकिन मुड़ी कह गया थी। नहीं, अली में पक्का पिंडी है जैसे, कमाल का डिफेंस साकिब पठान का, काशिफ से बॉल जाएगा उमर जुल्कार के पास, सेटिंग अच्छी हुई लेकिन अली झंझुआ ने किया सिंगल, काला कंक्रीट ब्लॉक, डेड ब्लॉक हुई उमर जुल्कार, पॉइंट मिलेगा, सर्विस मिली बालग्रां को 5-4। सर्विस अच्छी, रिसेप्शन बॉल, काशिफ से बॉल जाएगा डाजर साकिब के पास, बेहतरीन प्लेसमेंट, सर्विस चेंज 4-5। कमाल का डिफेंस और बाजा का एहसान गोरा के पास, फ्री नेट पे बेहतरीन स्मैश, हमदान डिफेंस करने में नाकाम, 5-4। नहीं जी, हरदम नहीं है हिनान खान, जी तोसी भाई बिल्कुल यही बात है। अरसलान भाई बड़े कमेंटेटर हैं जी, हम उनके मुकाबले में किधर कमेंट्री कर सकते हैं। बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की बेहतरीन प्लेसमेंट, डिफेंस करने में नाकाम रहे अबरार। पॉइंट की बात की जाए तो मकबूल बादशाही क्लब थोराड 4-5 पॉइंट, फियाज स्पोर्ट्स नम बालग्राम। ठीक हो गया तोसी भाई, ठीक हो गया, वो भी हमारे भाई हैं जी, और मैं खुद, मेरे वो फेवरेट कमेंटेटर हैं अरसलान भाई। हमाद की सर्विस, रिसेप्शन हुआ बॉल, काशिफ से बाजा का बैक साइड से उमर जुल्कार की बेहतरीन स्मैश, हमाद का उमदा डिफेंस, बाजा का एहसान गोरा के पास हमला हो सकता है, एहसान गोरा ब्लॉक, कोई बेहतरीन ब्लॉक साकिब बाबू का ब्लॉक, एहसान गोरा नहीं, अरसलान भाई नहीं आए, वो कहीं क्रिकेट की टूर्नामेंट की कवरेज कर रहे थे। टोपा वाले प्लेयर खेल रहे हैं जी मकबूल बट शहीद में, ये जो मैच लगा हुआ है। उमर कैसर जुफकार से बॉल जाएगा गोरे के पास, गोरा ब्लॉक हुए, कवर अप हुआ बॉल, कैसर ने किया इजी क्रॉस, हमदान से बॉल आता काशिफ के पास, और काशिफ से बॉल जाएगा मेन सेट से आबिद के पास, आबिद की प्लेसमेंट, कैसर का उमदा डिफेंस, अली जंजुआ से बॉल होता हुआ गया एहसान गोरा के पास, बेहतरीन प्लेसमेंट लेकिन उतना अच्छा डिफेंस उमर ने किया, स्लो पास, एहसान गोरा ने बॉल शट किया राजा मुबीन के लिए, और लाइन टू लाइन बेहतरीन प्लेसमेंट राजा मुबीन की। ये है गोरा, एहसान गोरा और माते गोरा, माकूल बासेर कोई कमेंट किया समझ नहीं आई, कुनी पैखाई छोड़ा। पॉइंट की बात की जाए तो मकबूल बट शाही क्लब
थोराड, दूसरे सेट में 4 और 6 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम्बाल ग्राम। उमर कमर नहीं जी, उमर कमर नहीं है। बैक साइड से खेलेंगे राजा मुबीन, प्लेसमेंट किया बाल, कवर अप हुआ आबिद, आबिद की प्लेसमेंट, राजा मुबीन को अंदर ब्लॉक है लेकिन डिफेंस हुआ, बाल बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की अच्छी स्मैश, एहसान गोरा डिफेंस कर रहे मेरा काम, और पॉइंट मिला काफी देर के बाद मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 5-6। सर्विस के निशान पे साकिब पठान, चेस्ट नंबर 12, सर्विस अच्छी, रिसेप्शन बाल, कैसर, कैसर से बाल जाएगा मेन साइड से खेलेंगे एहसान गोरा, डेड ब्लॉक हुए एहसान गोरा, साकिब पठान काले कंक्रीट ब्लॉक लगाते हुए, और पठान आज अपनी ब्लॉक फैक्ट्री खोलते हुए नेट पे बैरियर ब्लॉक लगाते हुए 6 इंच। सर्विस अच्छी, मात के द्वारा रिसेप्शन अच्छी, कैसर से बाल जाएगा एहसान गोरा के पास, अच्छी स्मैश, डिफेंस हुआ साकिब के द्वारा, बाल जाएगा मेन साइड से खेलेंगे आबिद, हमला हो सकता है और आबिद की बेहतरीन स्मैश, ब्लॉक करने मेरा काम रहे अली जंजुआ, और पॉइंट मिलेगा मकबूल बादशाह क्लब थोराड को 7-6। मोसो नहीं है जी, वो घर चले गए थे, वो मकबूल बादशाह में ही खेल रहे थे। रिसेप्शन हुआ बाल और कमाल की प्लेसमेंट, रिसेप्शन भी गलत थी लेकिन कैसर जुल्फार की बेहतरीन प्लेसमेंट, सर्विस चेंज 6-7। नहीं जी दाऊद भी नहीं है, सेमीफाइनल और फाइनल का लोंगे, दाऊद फौजी भी नहीं है। मात की अच्छी सर्विस, हैता गटा ऐ काले लाई देखा, अबे ऐ सेटअप नेक्स्ट मैच होगा जी, जान क्लब शावर बा मुकाबला कश्मीर इताद खन्नापुर, चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल 8-6, 2 पॉइंट की बत्री पर दूसरे सेट में मकबूल बादशाह क्लब थोराड। और कल्ला और पहुंचे ने नहीं जी, पतन शेर खान से ऐतिक खेलना वो उन्हें ना कहना था एबरान था डाजर वो कहना था डिफेंसर ऐतिक क्या था ना ऐतिक ही है जी, कल 2 बजे के बाद ही होंगे। 6-8 पे सर्विस करेंगे कैसर, और आ चुके हैं जी लेजेंड प्लेयर मेहरान, गोल्डन क्लब लुंजग्रां, कश्मीर का बड़ा सितारा, बड़ा नाम मेहरान भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया फिया स्पोर्ट्स नम्बालग्रां को, उमर जुल्फकार की जोरदार स्मैश से ब्लॉकर्स के हाथों के साथ बार लगता हुआ कोटलाइन से बाहर, और अब शायद व्यूज भी बढ़े क्योंकि बड़े सितारे लेजेंड प्लेयर मौजूद फियाज स्पोर्ट्स नम्बालग्रां में, मेहरान एहसान गोरा, सर्विस अच्छी, रिसेप्शन हुआ बाल, कैसर, कैसर से बाल सेट हुआ, अली जंजुआ की बेहतरीन प्लेसमेंट, कमाल का डिफेंस साकिब का, काश और इस तरह से ये गलती कर बैठे काशिफ, प्लेस किया बाल को लेकिन कोर्ट लाइन से बाहर, दो टीमें जी सगीर शहीद क्लब नमपलंदरी और नेवल खन्ना क्या नाम है नेवल कॉम्प्लेक्स, दो सेमीफाइनल में रिसेप्शन अच्छी ना दे सके हमदान, बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की स्मैश, कोर्ट लाइन से बाहर, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, और फाउल कर बैठे अली जंजुआ। वालेकुम सलाम खान सजाद खान, हमदान का डिफेंसर, मकबूल शाही क्लब थोराड के डिफेंसर है जी साकिब पठान, वालेकुम सलाम नादिर खान, ये मैच हो रहा है जी अदील सरदार खन्नापुल रावलपिंडी, खन्नापुल स्टाफ के साथ बिल्कुल 6-8 मिसाइल चौक, नहीं खोसा पाजा नहीं आए ने, और आबिद की स्मैश नेट में, पॉइंट मिलेगा फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रां को 7-8। एहसान
बुरा की अच्छी सर्विस रिसेप्शन हुआ बाहर, रिसेप्शन में दुश्वारी, काशिप, काशिप से बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की इजी क्रॉस लेकिन उसको नेट पे रोक दिया गया अली जंजुआ के द्वारा। और इस तरह से पॉइंट की बात करते हैं तो फिया स्पोर्ट्स नमालगरा दूसरे सेट में 8 और 8 पॉइंट में मकबूल बादशाह क्लब थोराड़। याद रहे कि पहला सेट अपने नाम करने में कामयाब मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ 8 ईच। एहसान गोरा की अच्छी सर्विस रिसेप्शन में दुश्वारियां बढ़ती हुई, साकिब से बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद की प्लेसमेंट डिफेंस किया कैसर ने, अली जज्जुआ से बाल सेट हुआ और जोरदार स्मैश राजा मुबीन की, बिल्कुल क्लियर स्मैश, तमाशाइयों के दिल मोह लिए स्मैश ने राजा मुबीन, वेरी टैलेंटेड यंगस्टर प्लेयर, कश्मीर का सितारा 9-8। काशिफ बाल को प्लेस करना चाहते थे लेकिन नाकाम बनाया, नेट पे खड़े हैं मैरान भाई, तजर्बाकार प्लेयर, उनके काले ब्लॉक, काश के उस टाइम लाइव चलता होता जब मैरान भाई प्रॉपर वॉलीबॉल खेलते थे अपने उरूज पे। और आप देखते कि ये मैरान भाई, जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है, जो जानते हैं वो मानते हैं। साकिब के रिसेप्शन और बाजा अली जंजुआ के पास, अली जंजुआ से पहले प्लेस किया इस बाल को, लंबे कद से, लंबे कद के मालिक अली जंजुआ लेकिन इस बॉल को छीना काशिफ सेटर ने। सेमीफाइनल फाइनल का 8-10, 8 पॉइंट मकबूल बादशाह और 10 पॉइंट संदीप पालग्राम और राजा मुबीन हुए डेड ब्लॉक। साकी पठान का बेहतरीन काला कंक्रीट ब्लॉक राजा मुबीन को और पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ को 9-10। लाइन टू लाइन बेहतरीन सर्विस लेकिन आगे हम अली जंजुआ की स्मैश साकिब पठान के हाथों के साथ लगती हुई नट के साथ नीचे। सर्विस अच्छी, उम्दा रिसेप्शन, काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा बैक साइड से खेलेंगे उमर जुल्कार, जोरदार स्मैश उमर जुल्कार की, ब्लॉकर्स के हाथों के साथ बाल लगता हुआ कोर्ट लाइन के अंदर और सर्विस मिलेगी यहां पर मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ को 9-10। सगीर शायद सेमीफाइनल में, अब सेमीफाइनल कर ली होंगे। एहसान गोरा की स्मैश लेकिन कैमरा फॉर बॉल, काशिफ, काशिफ ने बॉल सेट किया बैक साइड से उमर जुल्कार के लिए, उमर जुल्कार ब्लॉक हुए, अली जंजुआ की बेहतरीन स्मैश, सॉरी ब्लॉक, कला जड़ी टीम दी नेवल कंप्लेक्स उसको ने दा 10-9, एक पॉइंट के बर्तरी पर फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम। हमदान, हमदान की उम्दा रिसेप्शन, काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा मेन स्पाइकर आबिद के लिए, आबिद की अच्छी स्मैश, एहसान गोरा का बेहतरीन डिफेंस, कैमरा दिया एहसान कैसर जुफकार ने, साकिब, साकिब से बाल जाएगा उमर के पास, उमर की जोरदार स्मैश, अली जंजुआ इस दफा ब्लॉक करने में नाकाम, सर्विस चेंज 9-10। सर्विस के निशान पे साकिब पठान और अच्छी सर्विस और डायरेक्ट पॉइंट लिया सर्विस पे 10 ईच। घूमती हुई सर्विस साकिब पठान की, अपना जादू दिखाती हुई एयर स्विंग सर्विस करने में माहिर है साकिब पठान 10 ईच। दूसरे सेट का खेल जारी, याद रहे कि पहला सेट मकबूल बादशाह क्लब ने अपने नाम किया हुआ है। थोड़ा अरसा छोड़ी दस बॉन फिसली है नहीं ना सैयाम मजीद साहब, अली सरदार क्या पूछे सर दोबारा कमेंट करी छोड़ा कुत्ता कमेंट तेजी को नहीं ना मिस हो गया उसी 10 ईच। एहसान गोरा मौजूद सर्विस के निशान पे, विसल हुई एहसान गोरा, एहसान गोरा की अच्छी सर्विस हमदान के द्वारा, रिसेप्शन में दुश्वारी, उमर जुल्कार से बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद से पहले प्लास को पेश किया साकिब ने, बाल गया एहसान गोरा के पास, एहसान गोरा की प्लेसमेंट डिफेंस हुआ साकिब से, काशिफ, काशिफ ने बाल सेट किया उमर के लिए, उमर की प्लेसमेंट राजा मुबीन ने, इजी बाल को मुश्किल बनाया और डिफेंस करने में नाकाम, पहला सेट जीता हुआ जी मकबूल बादशाह ने और पॉइंट बदस्तूर 10 ईच। आसिम भाई नेवली चो सारे पठान दे, खालिद पठान, मोहसिन, एहसान गोरा प्लेसमेंट करना चाहते थे ब्लॉक हुए लेकिन कवर अप करते हुए बाद में बॉल को प्लेस भी किया आबिद, आबिद की प्लेस, आबिद की स्मैश को नेट पे अली जंजुआ ने लगाया काला कंक्रीट ब्लॉक और इस तरह से सर्विस फिर से चेंज 10-10। नहीं जी मास्टर खुर्रम नहीं खेल रहे किसी भी टीम में,
इतिहास करना पड़े मीना सौ और उसके दोस्तों ने जो ये वॉलीबॉल का मेला सजाया हुआ है। लगातार सर्विसेज चेंज होती हुई टेनिस पॉइंट अली जंजू का ताल्लुक पंजाब से ही है जी। काशिफ ने 62 की उम्र के लिए और उम्र की 110 में ऐसे देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, लेकिन ये टच आउट नहीं बल्कि बड़ा सिक्सर करार पाया। कारी बिलाल अख्तर वालेकुम सलाम और जी जदू तुसे ने कमेंट ना जवाब ना अच्छा मुड़ी कमेंट करी छोड़ने करा जी। कारी बिलाल साहब ठीक ठाक फिया स्पोर्ट्स में एहसान गोरा अली जंजुआ राजा मुबीन कैसर जुल्कार हमाद मेहरान भाई बहुत शुक्रिया कारी बिलाल साहब। 11-10 पॉइंट पर दूसरे सेट में फिया स्पोर्ट्स नाम बॉल करा 11 और 10 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ जी पिंडी वाला खानापुल कवर अप हुआ बॉल बाल जाएगा काशिफ के पास प्लेस करना चाहते थे अली जंजू आप लाख हुए डिफेंस हुआ बॉल काशिफ से बाल जाएगा साकिब के पास लेकिन अली जंजुआ ने लगाया काला कंक्रीट और बैरियर ब्लॉक लगाया यहां पर अली जंजुआ ने। सेमीफाइनल और फाइनल कल 12-10 बहुत बहुत शुक्रिया और अमीन अमीन कारी बिलाल अख्तर साहब अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। और लाइन टू लाइन बेहतरीन स्मैश आबिद पठान की सर्विस चेंज 10-12 अभी भी 2 पॉइंट के खसारे पर मकबूल बादशाह थोराड़ पहला सेट जीतने के बाद मौसम नहीं है जी जिमल कमर किसी भी टीम में नहीं है ठीक हो गया जी। अली जंजुआ नेवी के प्लेयर और पंजाब से ठीक है काशिफ की लेफ्ट हैंड से सर्विस अच्छी सर्विस बाहर जाएगा सांगोरा के पास ब्लॉक हुए कवर अप हुआ बॉल बाहर जाएगा फिर मेहरान भाई के पास मेहरान ये है मेहरान भाई आज भी किसी से कम नहीं और अपने आने का पता बता दिया खानापुर को और ऐलान किया अपने आने का इस जोरदार और बेहतरीन स्मैश के साथ मेहरान भाई द लेजेंड प्लेयर ऑफ लुंजग्रा गोल्डन क्लब लुंजग्रा कश्मीर का सितारा कश्मीर का राज दुलारा इसका कोई सानी नहीं 10-12 मेरा नाम जुनेद जावेद है मुबशर महमूद साहब। एक और अच्छी सर्विस उमदा रिसेप्शन एहसान गोरा के द्वारा बॉल सेट हुआ बैक साइड से और राजा मुबीन की जोरदार स्मैश उमर जुल्फकार ब्लॉक करने में रहे नाकाम फिर से सर्विस चेंज 12 से सर्विस के निशान पे मौजूद एहसान गोरा विसल हुई और ये सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर टेन ट्वेल्व पे सर्विस करेंगे काशिफ पठान विसल हुई काशिफ की सर्विस और डायरेक्ट पॉइंट लिया सर्विस पे मिस जजमेंट हुई अमाद की तरफ से और इस तरह से 11-12 नहीं असद भाई नहीं है जी फहीम भाई ठीक ठाक सेमीफाइनल और फाइनल कल होंगे मोहम्मद जरीन साहब अच्छी सर्विस रिसेप्शन अहमद के द्वारा अच्छी मिली बॉल सेट हुआ अली जंजुआ के लिए प्लेस हुआ बॉल डिफेंस हुआ बॉल बॉल जाएगा बैक साइड से राजा मुबीन की प्लेसमेंट को रोका गया नेट पे रोकने की कोशिश थी साकिब की लेकिन नाकाम रहे 12-11 ठीक हो गया जी कारी बिलाल साहब मेहरान भाई अब लेजेंड प्लेयर हैं जी लेजेंड प्लेयर हैं उनका शुमार अब लेजेंड्स में होता है। आबिद पठान की स्मैश ब्लॉक आउट खेलने में कामयाब सर्विस चेंज 11-12 सर्विस के निशान पे काशिफ
सर्विस अच्छी, रिसेप्शन में दुश्वारी और एक और डायरेक्ट पॉइंट मिला सर्विस पे काशिफ की घूमती हुई सर्विस, हमाल रिसेप्शन देने में नाकाम रहे, उस तरह से पॉइंट लेवल हो चुके हैं 12 each. दूसरे सेट का खेल जारी, याद रहे कि पहला सेट मकबूल बादशाह क्लब ने अपने नाम किया हुआ है, और घूमती हुई सर्विस नेट के साथ बेल खाती हुई कोर्ट लाइन के अंदर, काशिफ पठान की सर्विस आखिरकार अपना जादू दिखाती हुई और एक पॉइंट की बेहतरी के साथ मकबूल बादशाह क्लब 13 और 12 point. व्यास स्पोर्ट्स नम बालगरा. नेक्स्ट मैच होगा जी कश्मीर इताद खना पुल बा मुकाबला जान क्लब पेशावर. कीप शेयरिंग द वीडियो 1K ऑन द बोर्ड. और ये 1K जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, अगर इसका सहरा मेहरान भाई को जाता है, और अगर ये कहना भी गलत ना होगा कि मेहरान भाई जैसे ही ग्राउंड में घुसे तो साथ ही देखने वालों की तादाद भी बढ़ चुकी है. एहसान बोरा से बाल सेट हुआ राजा मुबीन के लिए, सेटिंग अच्छी है, जोरदार स्मैश राजा मुबीन की, उमर जुल्फकार ब्लॉक करे मेरा काम, सर्विस चेंज 12-13. 1K का सहरा जाता है मेहरान भाई के सर. सरदार हुसैन वालेकुम सलाम. सर्विस अच्छी, रिसेप्शन में बाल काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा, सेटिंग अच्छी आबिद के लिए, आबिद की जोरदार स्मैश, डेड ब्लॉक हुई आबिद, और अली जंजुआ का बेहतरीन ब्लॉक, इस तरह से पॉइंट फिर से लेवल 13 each. नहीं फारूक खान नहीं है, हाफिज तैयब. 13 all. दूसरा सेट काटेदार मुकाबला. एहसान गोरा, एहसान गोरा की सर्विस अच्छी, रिसेप्शन उमदा, काशिफ किसके लिए सेट करेंगे, बॉल सेट पर डाजर साकिब, और रीड का जो पत्थर से दिया साकिब ने, जोरदार स्मैश साकिब की अटैक लाइन के अंदर. उमर रफीक साहब, मैंने पूरा मैच दिखाया सगीर शहीद क्लब नम लद्री का, सारे मैचेस, पूरे पूरे मैचेस हैं. कैसर, कैसर से पहुंच जाएगा गोरे के पास, एहसान गोरा की जोरदार स्मैश, बिल्कुल क्लियर स्मैश, ईट का जो पत्थर से देते हुए एहसान गोरा, सर्विस चेंज 13 each. सगीर शहीद क्लब नम लद्री सेमीफाइनल में है, और नेवल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद सेमीफाइनल में. अब ये मैचेस होंगे कल, सेमीफाइनल और फाइनल कल. वालेकुम सलाम मुर्तजा हाफिज साहब, और जुल्फकार की स्मैश, टच आउट खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, और लास्ट बॉल पर पहुंच चुकी दूसरे सेट में फिया स्पोर्ट्स नव बालगरा, लास्ट और 13 point मकबूल बादशाही क्लब थोराड. पहला सेट लूज करने के बाद उमदा कमबैक फिया स्पोर्ट्स नव बालगरा का. वालेकुम सलाम नुमान कुरैशी. जी ओवैस भाई ठीक ठाक. नहीं जी नायाब ना भी नहीं है. फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में अली जंजुआ, एहसान गोरा, राजा मुबीन, कैसर जुल्फकार, मेहरान भाई और अमान. अच्छी सर्विस, रिसेप्शन हुआ बाल, काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा आबिद के पास, आबिद पठान की अच्छी स्मैश, अमान का उमदा डिफेंस, बाल गया गोरे के पास, और फ्री नेट, गलती कर बैठे एहसान गोरा, और ये बाल लगा एहसान गोरा का नेट पे, बिल्कुल फ्री नेट था, सर्विस चेंज 13 last. मकबूल बादशाही क्लब थोराड के प्लेयर काशिफ पठान सर्विस के निशान पे, बेसल हुई सर्विस अच्छी, हमाद के द्वारा सेप्शन अच्छी, कैसे ने बाल सेट किया एहसान गोरा के लिए, और डेड ब्लॉक हुआ एहसान गोरा, उमर जुल्फकार का काला कंक्रीट ब्लॉक, बैरियर लगाते और पॉइंट फिर से लेवल हो चुके 14 each. क्या इकमाल का खेल, क्या बात है जी, बेहतरीन बाकमाल, राजा मुबीन की जोरदार स्मैश, और इस तरह से ब्लॉकआउट खेलने में कामयाब रहे राजा मुबीन. 14 each. बेहतरीन हमले एहसान गोरा, एहसान गोरा की अच्छी सर्विस, रिसेप्शन बाल हमदार के द्वारा, काशिफ, काशिफ से बाल जाएगा मेन सेट से, आबिद का हमला हो सकता है, लेकिन क्या ही कमाल का डिफेंस करते हैं हमाद, काशिफ ने बाल सेट किया साकिब के लिए, प्लेसमेंट हुआ बाल, कमाल का डिफेंस, गोरा है, गोरा, गोरे की जोरदार स्मैश, कोर्ट लाइन से बाय.
ये गोरे की स्मैश कोर्ट लाइन से बाहर, सर्विस फिर से चेंज। नहीं जी तेनून भाई यहाँ पे तो नहीं बैठे हुए, और ये गलती कर बैठे काशी पठान की सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर। पॉइंट 14 इंच ऑनर यहाँ पे कोई किसी टीम का ऑनर नहीं है जी, बस इन्होंने खुद में टीम बनाई हुई है। एहसान गोरा मौजूद सर्विस के निशान पे, सर्विस अच्छी हमदान के द्वारा, रिसेप्शन अच्छी, काशिफ, काशिफ से बाल गया साकिब के पास और सेटिंग अच्छी ना हो सकी, साकिब खेलने में नाकाम और फिर से लास्ट बॉल पर पहुंच चुकी व्यास स्पोर्ट्स लंबाल ग्रांड लास्ट ओवर 14 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड़। लास्ट बॉल पे एहसान गोरा की सर्विस हमदान के द्वारा, सेक्शन में दुश्मनी डायरेक्ट पॉइंट मिला और इस तरह से एक एक सेट से मैच बराबर। सरदार नुमान ने ठीक ठाक खैर खैरियत उन देखा 1.1 की है ऑन दी बोट, कीप शेयरिंग द वीडियो। जब तक ये सेट शुरू होता जिब्रान असलम और जगह जिनका ताल्लुक बागियाना से, जिब्रान उर्फ जगह की तरफ से तमाम कश्मीरी मजीन और सामीन बहुत बहुत सलाम। उस्नैन आरफ उर्फ क्या पाड़ाटी बाजार से जिनका ताल्लुक है, पाड़ाटी चौधरी का मकाम रखते हुए, और नौसी बहुत ही उम्दा गेम पेश की है गोरे ने आज, गोरे ने साबित कर दिया की तरफ से आपको। सिंगुला की टीम नहीं है जी, मैं अभी ठंडी कस्सी भी है, थोड़ी देर बाद आएगी। उजैर नसीम आपको भी बहुत बहुत मुबारक, सरदार उजाम के भेजाना, उजाम शमी बंद करी छोड़ो, बंद करो ओजर सीम ओजी पिंडी जाके तेज हो गया, शुक्र है रोला कख नहीं हो, एक एक सेट बराबर हो गया, रिफ्रेशमेंट होनी। हेलो हेलो एसुल साहब, अजय अजय खिंड रहा आगे खिंड रहा इतने बिल्कुल पक्के ब्लॉक त्या अच्छा जी अजमल बशीर साहब मुझे कह रहे हैं कि शेम फॉर यू, ठीक है जी अजमल बशीर साहब आपकी शेमफुल जा चुकी है डस्टबिन में, और ये हो गए जी आज के पहले ब्लॉक अजमल बशीर, जिनको कमेंट कर रहे की तमीज नहीं है लिहाजा इनको भेज देते डस्टबिन में जहाँ पे जगह होती है ऐसे बंदों की। लंगा ये पुली है ने लोग के पूछ स्पोर्ट्स चैनल ना इतने नहीं बोने देना, ये फालतू गल है जलनाड़ा की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, प्लीज अपनी हाजिरी लगवाए। हेलो 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 ए भाई साहब बैठे हटे तू सुनो कहता है तू भी हटे मैं इसे ना बिल्कुल गुस्सा नहीं भूना आने सा। अब्दुल्ला भाई को बुला दें तुझे वो ये उजैर था उजैर का ना अगो हटो ना जी आज ही अब्दुल्ला भाई को बुला ले। अब्दुल्ला भाई कौन खेलते ने जी जॉनी कौन ने दे। अब शुरू आज तीसरा आखिरी और फैसला कौन सा, देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी ले जाती है और
क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए सेटिंग हुई है मेहरान भाई के लिए और बेहतरीन टेक्निकल स्पाइक मेहरान भाई की ब्लैकआउट खेलने में कामयाब। नहीं नहीं मेहनत बहुत कर रहा जी तो करा एक एक सेट से मैच बराबरी के बाद अब शुरुआत ही आखिरी सेट कमला ले पाइए इन्हें मैं आखिरी जेल है पे सही है सारे बुझी ना 800 बंदा बे केस कर सही है इन्हें नहीं नहीं तोबा करा वाजिद भाई बदतमीज वाला कौन थे नहीं साहब बदतमीज थे नहीं होता बदतमीज बंदे बर्दाश्त भी नहीं कर रहे। अच्छा जी प्लेयर नेम आपको फिर बता देते हैं जी फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम में एहसान गोरा लेजेंड प्लेयर ऑफ कश्मीर मेहरान भाई अली जंजुआ अहमद फ्रॉम बंजोसा राइजिंग स्टार राजा मुबीन कैसर जुल्फकार और दूसरी साइड पे हैं जी सुपरस्टार उमर जुल्फकार हमदान आशिक आबिद पठान साकिब पठान दो साकिब हैं और उसके बाद काशिफ पठान क्या पालिश के लोने में कामला वाले पाई लगे ने पाके जेल आए थे मेहरान भाई हैं जी गोल्डन क्लब लुंजग्रां वाले सलमान सलीम उर्फ बागियाना की तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम और अपनी हाजिरी लगवाए सलमान सलीम उम्मी खान चलो मिलने नहीं खेलने दीना यार स्कोर बोर्ड वाले हमारा रॉय मोड़ी छोड़ कर नाराज जी सरदार उमर ठीक ठाक है जुनेद भाई हुसनैन भाई को सलाम दिया जी वालेकुम अस्सलाम और तीसरी और आखिरी सेट में तीन पॉइंट की बेहतरी के साथ नकुल बट शेख थोराड थ्री और लव पॉइंट पर मौजूद फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम रिसेप्शन हुई बार कैसर कैसर से बाजा का मेहरान भाई के पास मेहरान भाई स्मैश करना चाहते थे लाइन टू लाइन लेकिन इस दफा नाकाम रहे बार लगा नेट पे नासिर साहब को सामने कर दे खोनो सामने कर थे नहीं ये गल दी अपनी मस्ती में और बस्ती में और हस्ती में मैं पक्का पिंडी हूँ जी उमर भाई उन पक्के पिंडी डेरे और फिर से पॉइंट की बात करते हैं और पॉइंट है जी लव पॉइंट फियास स्पोर्ट्स नम बालग्राम और फोर पॉइंट मकबूल बट शाही क्लब थोराड तीसरे आखिरी और फैसला कुंड सड़का खेल जा रही राशिद सलीम साहब जी जी वेलकम जी वेलकम सरदार आफा खान आग किसने लगाई शुजा भी शरारत आई नहीं अब्दुल्ला भाई को बोलने दें अब्दुल्ला भाई बोला कमेंट्री करा सलाम शौकत दातोड़ की तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम क्या हाल है असलाम भाई कैसे हो किधर पहुंचे हो अभी तक आए नहीं हो कौन इसके बाद मैच होगा जी कश्मीर इताद खन्ना पुल बामुकाबला जान क्लब पिशावर नासिर ठीक ठाक जी स्कोर 10 पे आना ऐसा जी 2-4 2 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बालग्रां और 4 पॉइंट में कोल बादशाह क्लब थोराड और असद भाई से मेरी गुजारिश है कि घूमना फिरना बंद करें नदी भाई ओ नदी वो खूबे ने कमाल का ब्लॉक अली गंजुआ की तरफ से असलाम शौकत हाजिरी लगवाए एमर माड़ा खेला तुस भी गेने चाहने जल्दी त्या वालेकुम सलाम मलक फराज पॉइंट की बात की जाए तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड और 3 पॉइंट फियासपोर्ट नाम मालग्राम कामला वाले बंदे की आखिरी पक्का बंद हो सही है केस करो इस कामला वाले बंदे का कहता है बोड़ा आ गए ने कहता कैमरा आ गए ने राजा मुबीन की अच्छी स्मैश साकिब पठान का बेहतरीन डिफेंस बॉल सेट हुआ आबिद के लिए आबिद की लाइन टू लाइन बेहतरीन प्लेसमेंट नम प्लंदरी सेमीफाइनल में अब वो कल खेलेगी सगीर शहीद क्लब नम प्लंदरी और नेवल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद सेमीफाइनल में मेरा नाम उम्मीद खान तुसे बेहतर पता 5-3 सर्विस अच्छी रिसेप्शन बॉल मेहरान भाई के द्वारा अच्छी रिसेप्शन बाल गया एहसान गोरा के पास होता है ब्लॉक आउट खेलने में कामयाब रहे एहसान गोरा सर्विस चेंज 3-5 अली इफ्तिखार उर्फ बागेली से शाइन क्लब के बहुत बड़े नुमाइंदे अली इफ्तिखार हाजिरी लगवाए अपनी 15 नंबर शर्ट है जी अली जंजुआ
पाक आर्मी से शायद बाजेगा आबिद के पास। आबिद की स्मैश कोटलैंड से बाय, बड़ा सिक्सर खेल बैठे इस दफा और पॉइंट मिलेगा फिया स्पोर्ट्स नम बालगना को 4-5। अग लाइक है उनका कह रहा हूँ फोर फाइव पे एहसान गोरा की बेहतरीन सर्विस, रिसेप्शन उमदा। काशिफ ने बाल सेट किया टॉस जब साकिब के लिए ब्लॉक हुए, कवर अप हो बाल, बाल फिर गया मेहरान भाई के पास, सेटिंग अच्छी एहसान गोरा की अच्छी, इसमें टच आउट खेलने में कामयाब और फाइव फीट घर बैठे कभी भी कोई वीजा अप्लाई नहीं होता है। और एहसान गोरा की सर्विस और डायरेक्ट पॉइंट लिया सर्विस पे 6-5। फिया स्पोर्ट्स नम बालगना तीसरी और आखिरी सेट में 6 और 5 पॉइंट में कूल बढ़ सकता थोड़ा। एक और अच्छी सर्विस रिसेप्शन में दुश्वारी, लेकिन सठवा बाल आबिद पठान के लिए जोरदार स्मैश ऑफ सेट में खेले और अली जंजुआ ब्लॉक करने में नाकाम। मेहरान भाई की अच्छी स्मैश, हमदान का डिफेंस बॉल गया कोर्ट लाइन से बाहर, सर्विस चेंज 6-5। एक पॉइंट की बढ़तरी के साथ फिया स्पोर्ट्स नम बालगना 6 और 5 पॉइंट, मकबूल बादशाह क्लब थोराड़। और अच्छी सेटिंग काशिफ की और उसका भरपूर फायदा उठाया डॉजर साकिब ने। बस कुछ ना दिल जलना था, वो तू उठाया आग नहीं जल रही। गलती कर बैठे साकिब पठान और इस तरह से सर्विस चेंज 6-5। वालेकुम सलाम अशफाक अबासी। एहसान गोरा की घूमती हुई सर्विस इस दफा कोर्ट लाइन से बाहर, गलत कमेंट है मेला पेरा मो शामी जी, गलत कमेंट वाले इधर आने छे पहुंचे, गलत कमेंट वाले मेंशन कर रहा हूं मैं जुनो बहुत, मैं भी फॉर्म में जाने सा ब्लॉक कर सो शामी जी लोड़िया राजा कामरान, इस आपके कमेंट का मैं क्या जवाब दूं, वो खेल रहा है थका हुआ किधर है। एहसान गोरा के लिए एहसान गोरा की जोरदार स्मैश, लाकर के हाथों से निकलती हुई काशिफ पठान के सर पे, लेकिन डिफेंस हुआ बाल, कैसर कैसर से बाल जाएगा मेहरान भाई के पास, मेहरान भाई की प्लेसमेंट को ब्लॉक किया आबिद पठान ने और इस तरह से देखना पड़ेगा पॉइंट और पॉइंट मिला मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ को 7-6। ओ मुड़ी उसकी मेंशन करी बुना नमो शामी जी, जुनेद भाई हमदान ला भी वॉलीबॉल, अच्छा जो मैं इतना ही वॉलीबॉल सटो हमदान ला खेला करिए। राजा मुबीन की जोरदार स्मैश ब्लॉक आउट खेलने में कामयाब, सर्विस चेंज 6-7। हां लाजमी दी लिखा ना कि गोरा कोई बुला दी बुला बुलाई थी इमराद के खेलना बहुत है। डिफेंस हुआ बाल, कैसर जुल्फकार का अच्छा डिफेंस हमदान ने दिया, कवर अप बाल सेट हुआ वापस आबिद के लिए, आबिद की जोरदार स्मैश एहसान गोरा डिफेंस करने में नाकाम और पॉइंट बदस्तूर 7-8। सर्विस नेट में लगी इस दफा साकिब पठान की, एहसान गोरा की लाइन टू लाइन बेहतरीन सर्विस और डायरेक्ट पॉइंट लिया सर्विस पे एहसान गोरा, आबिद इस दफा रिसेप्शन देने में नाकाम रहे 8-7।
उबैद उर्फ टीटी फ्रॉम सनादी हाजरी लगवाए ये नहीं जी बस सेट वेली हुई ठीक ठीक नहीं निकाला चलो देख सुनो हम दोनों का पता चला ठीक सेमीफाइनल और फाइनल कल 9-7 और इस तरह से फिर से दो पॉइंट की बढ़तरी पर फिया स्पोर्ट्स नंबालगरा 9-7 पॉइंट मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ टाइम आउट लिया मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ ने नहीं जी और कोई लाइव नहीं दिखा रहे इनाम पहला इनाम 15,000 दूसरा इनाम 10,000 और सेमी फाइनलिस्ट के लिए है जी 4,000 पागल हूँ यार वालेकुम सलाम मैं भी पागल हूँ यार 9-7 पे सर्विस करेंगे एहसान गोरा ऐसीब नहीं ना ऐसी मुड़ी माया क्या थी उमर जुल्फकार की बेहतरीन स्मैश एहसान गोरा का बेहतरीन डिफेंस थर्ड लाइन पर बॉल सेट एहसान गोरा के लिए एहसान गोरा की स्मैश हमदान का उमदा डिफेंस फिर से बॉल सेट होगा बैक साइड से करेंगे राजा मुबीन जोरदार स्मैश लेकिन ब्लॉक हुए आबिद के द्वारा कैमरा फो बॉल ऐसा कैसे से बॉल जाएगा राजा मुबीन के पास ब्लॉक हुए कैमरा फो बॉल डिफेंस हुआ राजा मुबीन फिर ब्लॉक हुए साकिब का बेहतरीन ब्लॉक अमार से बॉल सेट हुआ अली जंजुआ की प्लेसमेंट कैमरा फो बॉल और बॉल जाएगा आबिद के पास जोरदार स्मैश आबिद की ब्लॉक आउट खेलने में कामयाब और इसे लंबी रेडी को डट करवाया नूपुर बादशाह का प्लेयर अभी ने 7-9 7-9 पे सर्विस करेंगे साकिब पठान जी वालेकुम सलाम अरबाब मुस्तफा जोरदार स्मैश राजा मुबीन की बेहतरीन स्मैश सर्विस चेंज 9-7 पे सर्विस करेंगे एहसान गोरा सर्विस के निशान पे तीसरा और आखिरी सेट जारी एहसान गोरा की सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर वो आज नहीं आए अली ज्ञानी सर्विस करेंगे यहाँ पर साकिब पठान घूमती हुई सर्विस रिसेप्शन अंबार के द्वारा उमदा कैसर ने बॉल सेट किया राजा मुबीन के लिए और राजा मुबीन की जोरदार स्मैश साकिब ब्लॉक करने में नाकाम रही और बॉल साकिब के हाथों के साथ लगता हुआ कोटलन के अंदर और इस तरह से पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट बदस्तूर 9-7 दो पॉइंट की बत्तरी पर फिया स्पोर्ट्स नंबालगरा एहसान गोरा की अच्छी स्मैश अच्छी सर्विस बॉल गया आबिद के पास और आबिद की एक और स्मैश नेट में गलती कर बैठे आबिद पठान और पॉइंट मिला यहां पर फिया स्पोर्ट्स नंबालगरा को 10-7 हमदान खान की शर्ट पे नाम क्या लिखा है शमास लिखा ना जी क्यों जी उमर जुल्फकार भी हैं खेल रहे हैं जी ये सामने खेल रहे हैं अभी बार उमर जुल्फकार से होता हुआ गया आबिद के पास और आबिद की स्मैश और डंडा हुए आबिद मेहरान भाई का काला कंक्रीट ब्लॉक और ये है मेहरान भाई द लेजेंड प्लेयर ऑफ कश्मीर कश्मीर का बड़ा सितारा मेहरान भाई ने किया टेड ब्लॉक काला कंक्रीट ब्लॉक बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कश्मीरी 11-7 पे टाइम आउट लिया यहाँ पर मकबूल बादशाह क्लब थोराड़ ने शर्मा ज्यादा खादा ना नहीं जी थोड़ा खादा सा श्याम मजीद चार पॉइंट की वाजिया बेहतरी पर फिया स्पोर्ट्स नंबालगरा तीसरे और आखिरी सेट में पहला सेट लूज करने के बाद अगले दोनों सेट में बड़ी उम्दा कारकर्दगी और निहायत ही उम्दा कमबैक नहीं फारूक खान नहीं है नुमी भाई ये मेरे दिल में किसी ने आग लगाई है वो धुआं निकल रहा है
उसे वो बाल मारे ना लेकिन बिकनी है लाइन टू लाइन उमर जुल्फकार की बेहतरीन जोरदार मैच लाइन टू लाइन उमर जुल्फकार की और इस तरह से राजा मुबीन और उमर जुल्फकार के आपस में जुमले पास होते हुए और पॉइंट जी 7-11 मकूल बट शेख क्लब थोराड़ और 11 पॉइंट फिया स्पोर्ट्स नम बॉल ग्राउंड कैसर से बॉल जाएगा अली जंजुआ के पास ब्लॉक हुए और बेहतरीन ब्लॉक साकिब का 8-11 बेस्ट ऑफ थ्री है जी आखिरी सेट लगा हुआ है ये तीसरा और आखिरी सेट आप कह रहे थे मैंने कब कहा है जी वो प्लेयर है नहीं मर्जी कौन कौन खेलना यो कोई गल नहीं सेमीफाइनल और फाइनल कल बहुत बहुत शुक्रिया साहिल मून साहब सर्विस के अनुसार पे काशी पठान सर्विस अच्छी अम्मा क्यों हमदार रिसेप्शन बाजा का गोरे के पास गोरे की प्लेसमेंट हमदार ने डिफेंस तो किया लेकिन कवर अप करने में नाकाम रहे साकिब पठान सगीर शहीद क्लब नम प्रंद्रिका का मैच कल होगा जी वो सेमीफाइनल में कहो लोड़ी लाड़ी गाड़िया चार से नहीं अमर की प्लेसमेंट कवर अप बार बैरान भाई के द्वारा बाजा का एहसान गोरा के पास एहसान गोरा की स्मैश डिफेंस करने में नाकाम रहे साकिब पठान 12-8 जी आज पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट है 12-8 इज फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम और मकबूल बट शहीद क्लब थोराड़ 8 चार पॉइंट की वाजिया बर्तरी पर मौजूद फिया स्पोर्ट्स नम बालग्राम रिसेप्शन अच्छी बॉल सेट हुआ मेन सेट से मुजफ्फर के लिए मुजफ्फर को डंडा मैरान भाई लेकिन कवर अप हुआ बॉल कैसर का बेहतरीन डिफेंस अली जंजुआ से बॉल जाएगा संगोरा के पास सेटिंग अच्छी नौ की प्लेस हुआ बॉल फिर बॉल सेट हुआ मुजफ्फर के लिए जोरदार स्मैश मुजफ्फर की लेकिन क्या ही कमाल का डिफेंस थर्ड लाइन पे किया कैसर जुफ्फर ने बॉल गया संगोरा के पास प्लेस हुआ बॉल और पेस ब्लॉक बॉल को कवर अप करने में नाकाम रहे अली जंजुआ 8-1 पॉइंट बदस्तूर 8-1 अच्छी सर्विस सुंदर सेप्शन अमाद की बैक साइड से खेलेंगे राजा मुबीन राजा मुबीन की गैप में से खेले राजा मुबीन बेहतरीन स्मैश राजा मुबीन की जोरदार स्मैश लाइन टू लाइन क्या बात है जी बेहतरीन बागवान और इस तरह से पॉइंट की बात की जाए तो 12-8 कमला रे बाजू गिरे कैच हेलो नहीं आसिम साहब की तरफ से बड़ा ऐलान फिया स्पोर्ट्स नाम बाल ग्रह अगर मैच जीती है तो उनकी तरफ से 5,000 नहीं तो 10 है ना मैं देश ने जी खानापुर रावलपिंडी है टूर्नामेंट रिसेप्शन उमदा आमाद की बाल गया आसान गोरा के पास और गलती कर बैठे आसान गोरा की स्मैश कोर्ट लाइन से बाहर और पॉइंट मिला मकबूल बट शहीद क्लब थोराड़ को 9-12 तीसरे और आखिरी सेट का खेल जारी नहीं कदीर भाई नायाब नहीं सर्विस अच्छी रिसेप्शन अच्छी नजर सके बाल आया दूसरे कोर्ट में काशी से बाहर जाएगा साकिब के पास साकिब की बेहतरीन प्लेसमेंट और एक और पॉइंट मिला मकबूल बट शहीद क्लब थोराड़ को 10-12 अभी भी दो पॉइंट के सारे पर मकबूल बट शहीद क्लब थोराड़ और हेडशॉट खेला राजा मुबीन ने जोरदार स्मैश लेकिन कैमरा बॉल बॉल गया फिर आबिद के पास आबिद की प्लेसमेंट डिफेंस किया कैसर जुफकार ने अली जंजुआ से बाद जाकर शान गोरा के पास जोरदार स्मैश है शान गोरा की डिफेंस करने में नाकाम रहे साकिब पठान और बाद गया कोर्टन से बाहर हमदान ने ताकत तो किया था लेकिन नाकाम रहे स्कोर बोर्ड आगे भी खेली है सर्विस चेन 12-10 क्या मैच देखने को मिल रहा है जी बेहतरीन बाकमाल नहायत ही उमदा नहीं जी डी आई जी वाले नहीं है एहसान गोरा फिर से सर्विस के निशान पे सर्विस अच्छी रिसेप्शन हुआ बॉल
सटवा बॉल उमर जुफकार लेफ्ट से खेले लेकिन बॉल कोर्ट लाइन से बाहर, बड़ा सिक्सर लगा बैठे उमर जुफकार, पॉइंट मिला यहाँ पर बालगरा को। अब ओ स्कोर बोर्ड ओ नासुर साहब उन्होंने आ भेजा मेरा स्कोर बोर्ड आगे खेल देना भेजा मो 13-10 कैसे फुल मैच टूर्नामेंट का सबसे तगड़ा मैच और आबिद किस मैच कोटलैंड के अंदर 10-13 तीन पॉइंट के खसारे पर मकबूल बादशाह क्लब थोरा आखिरी सेट का खेल जारी। सर्विस अच्छी रिसेप्शन में दुश्वारी, अली जंजुआ से बॉल जाएगा सामने गोरा के लिए, सेटिंग अच्छी प्लेस किया बॉल डिफेंस किया हमदान ने, बॉल जाएगा आबिद के पास, आबिद की स्मैश नेट में लगी, गलती कर बैठे आबिद, सर्विस चेंज 13-10 इसके बाद आखिरी क्वार्टर फाइनल होगा जी जान क्लब पेशावर बा मुकाबला कश्मीर इताक खानापुर। रिसेप्शन हुआ बॉल काशिफ, काशिफ से बॉल गया साकिब के पास, डिफेंस हुआ बॉल जाएगा राजा मुबीन के पास, प्लेस करना चाहते थे ब्लॉक हुए, अब देखते हैं सेटिंग किसके लिए होगी, सेटिंग हुई एहसान गोरा के लिए, एहसान गोरा की प्लेसमेंट साकिब का डिफेंस, हमदान हमदान से बॉल गया बेहतरीन सेटिंग उमर के लिए, उमर की प्लेसमेंट एहसान गोरा का बेहतरीन डिफेंस और बॉल सटवा गोरे के लिए, गोरे की प्लेसमेंट कमाल की प्लेसमेंट जिसको नेट पर रोकने में नाकाम रहे साकिब, लास्ट बॉल पर पहुंच चुकी फियास स्पॉट नाम बॉल ग्राउंड एजे के वॉलीबॉल के एडमिन, एजे के वॉलीबॉल चैनल के एडमिन शुजा की तरफ से राजा मुबीन के लिए 1000 रुपए का ऐलान। बैक साइड से खेलेंगे आबिद, आबिद की प्लेसमेंट डिफेंस हुआ, कैसर तुफान की बेहतरीन प्लेसमेंट, बॉल जाएगा मुबीन के पास, बेहतरीन प्लेसमेंट राजा मुबीन की, और इस तरह से ये बड़ा सेमीफाइनल अपने नाम करने में कामयाब, फिया स्पोर्ट्स नंबाल ग्राउंड बेहतरीन सेमीफाइनल, पैसे वसूल मैच, दोनों टीमों ने गेम होता खेल का मुजाहरा पेश किया लेकिन आखिरकार जीत से हमकनार हुई फिया स्पोर्ट्स नंबालग्रा, तीन टीमें जो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, सकीर शेख क्लब नमपंदरी, फिया स्पोर्ट बालग्रा और नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। अब आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा जान क्लब पेशावर बामुकाबला कश्मीर इताद खानापुर, तो जैसे ही आखिरी सेमी क्वार्टर फाइनल शुरू होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरा नया एहसान।